नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मीडिया के थ्रू आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वोटर, हर एक व्यक्ति जिसने ATT EDC इलेक्शन में वोट किया है, मैं उनको मीडिया के थ्रू हम भाई बोलना चाहता हूँ। गलाइन और हम भाई, थैंक यू, धन्यवाद कि आपने इस ATT EDC इलेक्शन में वोट किया और वोट करके आपने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उस वो आपने किया, पालन किया। मीडिया से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो पोलिंग टर्नआउट हुआ है त्रिपुरा में इस शायद पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है, बंगाल में, असम में, पुडुचेरी, तमिलनाडु में, तो त्रिपुरा में सबसे हाईएस्ट टर्नआउट हुआ है, वो भी ATT EDC इलाके में। तो ये आपने जिसको भी वोट किया हो, CPM को किया हो, INPT को किया हो, जनजाति मोर्चा को किया हो, IPFT को किया हो, हमारे लिए त्रिपुरा मोथा INPT को किया हो, TPF को किया हो, या फिर आपने नोटा भी किया हो, तभी भी आपका एक अधिकार बनता है। और मैं सबसे पहले आप पूरे त्रिपुरा के ATT EDC के इलाके में जो वोटर्स हैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए नहीं किया क्योंकि कल 11 बजे तक कुछ केंद्रों में वोटिंग चल रहा था और जैसे कि किला बागमा में रात के 11 बजे ही स्ट्रांग रूम बंद हुआ है। तो जब तक हम अपने पूरा रिपोर्ट नहीं देते हम आपके सामने नहीं आना चाहते। तो इलेक्शंस में कुछ जगह में वायलेंस हुआ है, रिगिंग हुआ है, अटेम्प्ट टू स्टॉप वोटर्स टू गो टू कास्ट द वोट्स ये भी हुआ है। इसके लिए आज हम ऑफिशियली राइट करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद हमारा जो भी जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप देखेंगे कि स्पेसिफिकली कुमुलुंग में एक दो जगह में प्रॉब्लम हुआ, आमतली गोला घाटी में काफ़ी जगह में प्रॉब्लम हुआ, पेकरजोला में प्रॉब्लम हुआ, बोरीपुर मोरतली में प्रॉब्लम हुआ। आप देखेंगे कि हमारे कैंडिडेट INPT के जो है धानसेन चोपड़ा, उसको सिरचुरी मनु बंगल में पीटा गया, उसकी सिक्योरिटीज़ को मारा गया। यही चीज़ रामचंद्र घाट में हमारे सिंबल में एक काला मार्क लगा के मैनिपुलेट करने का कोशिश किया गया। तो बहुत जगह से रिपोर्ट आया है कि ये सब हुआ है। आप वाकी नगर, भोजन नगर, वाकी नगर, लघुजरा इलाके में स्पेशली बहुत प्रॉब्लम करने की कोशिश हुई। अमरपुर में, नूतन बाजार, मालभाषा में भी प्रॉब्लम हुआ, मिर्जा कथालिया में बहुत प्रॉब्लम हुआ। जनरल एरिया से लोग आकर प्रॉब्लम कर रहे थे, वीडियो में कैप्चर किया गया है। आमतली गोला घाटी में शायद जनजाति मोर्चा का जो लीडर है उनका वाइफ खुद, मैं 100% बोल नहीं सकता हूँ लेकिन वीडियो एविडेंसी से मुझे कहा जा रहा है कि उनका वाइफ रुक रहा था लोगों को वोट करने से। तो ये सब है बात, इसको हम ऑफिशियली स्टेट इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करेंगे। तभी भी लोग निकले हैं बाहर और उन्होंने निर्भय होकर उन्होंने वोट किया है। वी वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम। हमारे अलायंस पार्टनर्स भी, मेरे बात अभी विजय रामफल से हुई है, वो अभी भी अपने एरिया में है क्योंकि उनका एरिया में भी स्ट्रांग रूम को उनको गार्ड करना है, लेकिन वो भी अपना थैंक यू, उनका हार्ट फेल्ट विशेस सबको एक्सटेंड करते हैं। लास्ट मैं अपील करना चाहता हूँ, 10 तारीख को काउंटिंग होगा, उस दिन बहुत लोग कह रहे हैं कि वायलेंस हो सकता है। मैं एज द चेयरमैन ऑफ त्रिपुरा फिर से क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, मैं वायलेंस नहीं चाहता हूँ किसी तरफ से भी। और मैं अपने पूरे पार्टी वर्कर्स कैडर्स को बोलूँगा कि आप शांति से इसका रिजल्ट आने दीजिए।
रहा बात रीपोलिंग का, हम स्ट्रांगली अर्ज कर रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि आप रीपोलिंग का फिर से जहाँ जहाँ में प्रॉब्लम हुआ है उसमें आप एक स्ट्रांग तरीके से विचार कीजिए। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हर पार्टी बोल रही है। इसके लिए मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी ऑफिशियली ये बात बोलने वाला हूँ। एक्चुअली ऐसा करिए, मैं आप उसका नंबर मुझे दे दीजिए, मैं उसको SMS करता हूँ, वो डायरेक्टली मुझसे बात करें, ना कि थ्रू मीडिया। यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली। अभी तक ऑफिशियली, अनऑफिशियली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सीक्रेटली कोई ऑफर मुझे किसी पार्टी से नहीं। अगर ऐसा सिचुएशन आता है क्या तो प्रमोटर का भी CDM के साथ बात करना चाहेगा? उनको अपना ऑफर देने दीजिए ऑफिशियली। थ्रू मीडिया में एक बात बोलना, तब मेरे फैमिली के ऊपर डायरेक्टली अटैक करना, पहले उनको अपना प्लान ठीक करने बोलिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरे माँ को दंगा में डायरेक्टली इम्प्लिकेट किया गया है, उसके बाद मेरे संग अलायंस कैसे कर सकते हैं? मेरे माँ तो दंगा करती है। आप पहले अपना व्यू क्लियर कीजिए कि मेरा माँ राइटियर है या उसका बेटा के संग आपको अलायंस करना है। दो तरीके से बात नहीं होता। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा क्लियर कीजिए ना, उसके बाद मुझसे बात कीजिए। विजेंद्र को जितेंद्र चौधरी से बात करने बोलिए पहले। तो प्रेस ने काम किया कि नहीं किया वो अलग बात है ना। तो वहाँ में पोलिंग स्टेशन में 50 पुलिस आदमी है, लेकिन अगर दो ही आदमी डंडा लेके गुंडा को भगाएगा और 40 बैठ के रहेगा तो क्या होगा? तो मैं नंबर के बारे बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कोई गुंडागर्दी करता है तो पुलिस ने एक्शन लिया है कि नहीं लिया है। जो 60 से 70 पुलिस के बारे में बात कर रहा उसमें पुलिस का प्रेजेंस था, लेकिन पुलिस ने ठीक तरीके से एक्शन नहीं लिया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ठीक तरीके से एक्शन नहीं लिया। तो सिर्फ पहुंच जाने से वर्दी लेकर काम नहीं होता। जब कोई कुछ गलत काम कर रहा है या कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो आपका ड्यूटी होता है उनको पकड़ने के लिए। देखिए आज का ज़माना ये पुराना ज़माना जैसा नहीं है। बहुत लोगों ने ये जो हुआ है ये सोशल मीडिया में भी देखा है और बहुत लोगों के अगेंस्ट FIR भी फाइल किया गया है। मैं मीडिया को बोलता हूँ कि आप भी मालूम कीजिए कि किन किन लोगों के खिलाफ FIR फाइल किया गया है, और जिनके खिलाफ भी किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नाम में लड़ा गया, मेरे फेस में लड़ा गया, और हम पब्लिक को इलेक्शन के पहले कुछ और बोलेंगे, इलेक्शन के बाद कुछ और बोलेंगे, ऐसा हम लोग का कोई वो नहीं। आई एम द फेस, मैं हूँ और मैं ही बनूँगा। मैं क्यों इसमें मतलब कि आजकल थोड़ा फैशन हो गया है जो पब्लिक कहेगी, जो वो कहेगा, जो इलेक्टेड, मैं ही फेस हूँ, मैं ही बनूँगा। सर अगर आपने पावर में आया कि मैं वाइट पेपर निकाल रहा हूँ, फुल अकाउंटेबिलिटी, फुल ट्रांसपेरेंसी, वेबसाइट में क्या पैसा कहाँ आ रहा है, DC में कितना पैसा कौन से डिपार्टमेंट में जा रहा है, कितना पैसा सैलरी के लिए जा रहा है, कितना पैसा कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहा है, कितना पैसा आप काम में लगा रहे हो, पूरा ट्रांसपेरेंसी का ऑडिट होगा। उसके बाद हम अपना की सेक्टर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी एंड पावर। क्या हो सकता है, अलायंस का बात ही नहीं है। हमको फुल कॉन्फिडेंस है कि हम खुद पावर में आएंगे अपने अलायंस पार्टनर के साथ, और हमारा फाइट हर जगह में, जहाँ तक मुझे लगता है, BJP के साथ है, CPM रनिंग में नहीं है। इन अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज 60 to 70 बूथ्स देर हैज बीन मैल प्रैक्टिस, एंड वी गोइंग टू स्पेसिफिकली राइट टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन to look into the matter. RFL এর ত্রিপুরার একমাত্র শোরুম বেস্ট বাই। বেস্ট বাইয়ে আপনারা পাচ্ছেন নিত্য নতুন আধুনিক ঘর সাজানোর উপযোগী বিভিন্ন রিগাল ফার্নিচার, RFL প্লাস্টিকস, ইটালিয়ানো মেলামাইন, RFL গ্যাস স্টোভ, RFL টয়েস, RFL বেডিং আইটেম কমফি এবং RFL স্যানিটারি আইটেমের বিভিন্ন সামগ্রী। আমাদের ঠিকানা রোনালসি রোড, নিয়ার জয়নগর বাস স্ট্যান্ড, আগরতলা, ত্রিপুরা। আমাদের ফোন নম্বর 9774185672। নমস্কার, আমি মৃন্ময়ী।
আশা করি এই প্রতিবেদনটি আপনাদের ভালো লেগেছে। লেটেস্ট খবরের জন্য এভাবেই দেখতে থাকুন দা সোশ্যাল বাংলা। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো করতে ভুলবেন না।